हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। उत्तर प्रदेश में 4,200 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो चुका है, लेकिन लाखों बेरोजगारों में इस विज्ञापन को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि छात्रों को जो इंतज़ार था वो 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से खुद ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन जब विज्ञापन आया तो छात्र को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि केवल 4,200 पदों पर ही विज्ञापन देखने को मिला। ऐसे में छात्रों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर चयन बोर्ड के माध्यम से आला अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई कि हम अध्याचन मांग रहे हैं, अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो हम इन पदों को नए विज्ञापन में ऐड कर देंगे। और इसी के क्रम में आज 11 जून 2022 को एक मेल की गई, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे अनिल सिंह है, युवा मंच के अध्यक्ष, उनकी तरफ से की गई, जिसका विषय है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो पूर्व में घोषणा उन्होंने की थी कि 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करेंगे, और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करेंगे, उसी के क्रम में इस मेल को भेजा गया है। और इस मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से उक्त पदों पर जो चयन प्रक्रिया थी वो लटक गई थी, उसके बाद यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर अभी जो विज्ञापन जारी किया गया है चुनाव के बाद वो केवल 4,000 पदों पर जारी किया गया है। लेकिन जब स्थिति ये थी कि माध्यमिक बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या 27,000 बताई जा रही थी, और इसी को लेकर यहाँ पर चयन बोर्ड हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, उनके माध्यम से घोषणा की गई थी कि हम 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करेंगे, तो इसी में सुधार के लिए इस चीज़ को भेजा गया है और कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सरकार में कई सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधान के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाए जिससे शिक्षकों की जो ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ हैं वो हो सकें और बेरोजगार छात्रों को नौकरी भी मिल सके। साथ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की विभिन्न सेवाओं को खत्म कर दिया है, ऐसे में जो 22,000 लगभग तदर्थ शिक्षकों की सीटें हैं उनको भी नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जोड़ लेना चाहिए, लेकिन आला अधिकारियों के माध्यम से ऐसा नहीं किया गया है। इसको भी लेकर यहां पर उनके माध्यम से निवेदन किया गया है और आग्रह किया गया है कि टीजीटी पीजीटी में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ में तदर्थ शिक्षकों की सीटों को भी जोड़ा जाए और विज्ञापन में सुधार किए जाएं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। साथ में तदर्थ शिक्षकों को लेकर भी कुछ चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि उनको वेतन रोकने जैसे कुछ आदेश हैं तो उनको जो वेतन है वो न रोका जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें उन्होंने कही हैं। मेन यहाँ पर नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में रिक्त पदों के बढ़ाने को लेकर है, तो वो मांग काफ़ी तीव्र होती जा रही है, तेज़ी पकड़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे विषयों में पदों की संख्या भी बहुत कम है, ऐसे में उनकी भी छात्रों की नाराज़गी है विषयों को लेकर भी, तो लगातार मांगें जारी हैं। फिलहाल अभी बोर्ड के माध्यम से यही कहा गया है कि अध्याचन प्राप्त किया जा रहा है, जैसे रिक्त पदों की संख्या मिलती है तुरंत उसको इसमें ऐड किया जाएगा, तो उसकी अपडेट अलग से आएगी, हम आपको अलग से उसकी जानकारी दे देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।